हाय एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड एंगल पोजीशन मेथड देख लिया था कि वहां पर थर्ड एंगल पोजीशन को कैसे ड्रॉ करते हैं, वहां पर टॉप व्यू कहाँ बनता है और फ्रंट व्यू कहाँ बनता है। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड देखा था। अब हम लोग यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं और इससे काफी क्वेश्चन आते भी हैं, जिससे आपको ध्यान में रखना है। थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, बट ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझे हुए रहेंगे तो आपका काफी क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है और आप उसको इजीली बना सकते हैं और कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत अगर बचा है, जो कन्फ्यूजन है आपको, तो दोनों का डिफरेंस हम लोग एक साथ देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन वो दूर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, पॉइंट वाइज मैंने लिख लिया है। यहाँ पर डिफरेंस हम लोग आज पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है वहां पर लिखा हुआ। तो फर्स्ट एंगल पोजीशन हम लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड लिखी है और थर्ड एंगल पोजीशन राइट साइड आपके है। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पर फिर से शुरू से देख लेते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज इमेजिन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड तब हम लोग बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हमने क्वाड्रेंट भी देखा था वहां पर ऐसे करके, तो वहां पर हम देखा था ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसको वहां पर जो पोजीशन मेथड होगा वो फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड होगा। तो फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। उसी तरह से सेकंड यहां पर थर्ड एंगल पोजीशन मेथड में देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज इमेजिन इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऑब्जेक्ट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो थर्ड एंगल पोजीशन मेथड है, वहां पर जो हम लोग पोजीशन करेंगे वो थर्ड एंगल पोजीशन मेथड है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ पोजीशन। प्लेन ऑफ पोजीशन ऑब्जर्वर के बीच लाई करेगा। तो हमने ये कंडीशन ऑलरेडी देख लिया है, फिर भी यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमने बात किया यहाँ पर क्या फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड में फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे होता है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर जो होता है इस साइड से देखता है, यहाँ पर से व्यू देखता है वो। यहाँ से व्यू देखने पर क्या होता है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा बीच में है और प्लेन ऑफ पोजीशन यहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट जो लाई कर रहा है वो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ पोजीशन के बीच में लाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो लाई कर रहा है वो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ पोजीशन के बीच में लाई कर रहा है। तो यही पॉइंट भी बोल रहा है, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ पोजीशन। प्लेन ऑफ पोजीशन ये है, हम लोग सामने से अगर इसको टर्न करके देखें आपके साइड से, अगर आप ऑब्जर्वर हो तो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ पोजीशन के बीच में हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ पोजीशन, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो ये फर्स्ट एंगल पोजीशन, फर्स्ट एंगल पोजीशन सिस्टम में है। यहाँ पर आप देख लेते हैं थर्ड एंगल में क्या होता है। थर्ड एंगल में क्या हो जाता है, ये जो ऐसे हो जाता है, थर्ड एंगल नीचे चला जाता है ऐसे करके, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ होता है और ऑब्जर्वर इस साइड से देखता है। तो मान लीजिए ऑब्जर्वर आप हो, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है और ऑब्जेक्ट पीछे है। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में लाई होता है। ये ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जर्वर इस साइड से देख रहे हैं, जिसको मैं आपके तरफ टर्न कर दे रहा हूँ। आप ऑब्जर्वर हो, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में है और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर लाई कर रहा है। तो प्लेन ऑफ पोजीशन को इसमें हम लोग ट्रांसपेरेंट लेते हैं। कल हमने लेक्चर में देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था, प्लेन ऑफ पोजीशन को ट्रांसपेरेंट लेते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट दिख पाए। तो वही बोल रहा है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। यहाँ पर जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ही है वो लाई कर जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में। ऑब्जेक्ट बाद में रहता है, ऑब्जर्वर पहले रहता है और बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रहता है। ये सेकंड पॉइंट बोल रहा है। बट यहाँ पर क्या था कि ऑब्जेक्ट लाई करता था प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में लाई करता था, और यहाँ पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है। वैसे हम लोग इसको सब कुछ इमेज के फॉर्म में देखने वाले हैं लास्ट में, फिलहाल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फिर यहाँ पर बोला प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर है नॉन ट्रांसपेरेंट है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में हम लोग नॉन ट्रांसपेरेंट एज्यूम करते हैं कि वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। मतलब हम लोग जो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इसका ट्रांसपेरेंट अगर रहेगा तो क्या होगा, इसका इमेज जो होगा वो पीछे चला जाएगा, बैक साइड चला जाएगा। बट ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है ताकि हम लोग सामने से जब इसका प्रोजेक्शन करें तो वो इस पर आकर बन जाए, इसलिए इसको हम लोग नॉन ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में नॉन ट्रांसपेरेंट हम लोग को लेना है। बट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में क्या होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं, बट अगर हम इसको नॉन ट्रांसपेरेंट कर देंगे तब तो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा नहीं, तब इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट मानते हैं ताकि हमें जो ऑब्जेक्ट हम लोग इस साइड रख रहे हैं वो हमें दिख पाए। इसलिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया, व्यू वाला देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं, टॉप व्यू कम्स बिलो फ्रंट व्यू। हमने फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड में देखा था कि ऐसे रहता था, यहाँ पर फ्रंट व्यू बनता था और टॉप व्यू कहाँ बनता था, नीचे में बनता था। ये एचपी पर था, एचपी वाले को हम लोग नीचे रोटेट करके ले जाते थे ऐसे करके रखा रहता था, बट इसको हम लोग सेम प्लेन में लाने के लिए नीचे लेके चले जाते थे। तो टॉप व्यू नीचे आ जाता था, फ्रंट व्यू हमारा ऊपर बनता था। फ्रंट व्यू यहाँ बनता था और टॉप व्यू हमारा नीचे बनता था। तो यही बोला ये टॉप व्यू कम्स बिलो फ्रंट व्यू। तो फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड हमें पता है टॉप व्यू जो होता है वो नीचे बनता है, वही बोल रहा है टॉप व्यू कम्स बिलो फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा और बीच में रेफरेंस लाइन होगा, फिर नीचे में टॉप व्यू बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। फ्रंट व्यू कम्स बिलो टॉप व्यू, यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। फ्रंट व्यू जो होता है
वो नीचे बनता है, फ्रंट व्यू नीचे बनता है, टॉप व्यू इस पर बनना था तो वो रोटेट होकर ऊपर चला जाता है, तो क्या होता है टॉप व्यू ऊपर बनने लगता है और फ्रंट व्यू नीचे। तो भाई इसमें बोल रहा है फ्रंट व्यू कम्स बिलो टॉप व्यू, मतलब टॉप व्यू ऊपर बनेगा, रेफरेंस लाइन होगा और यहाँ फ्रंट व्यू बनेगा, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है थर्ड एंगल पोजिशन मेथड में। तो कभी भी अगर आपको इमेज दिख रहा है जहां पर टॉप व्यू ऊपर बना हुआ है और फ्रंट व्यू नीचे बना हुआ है, तो समझ लीजिएगा वो थर्ड एंगल पोजिशन मेथड से बनाया गया है, मतलब है सही वो भी है, बट हम लोग जो यूज करते हैं वो फर्स्ट एंगल पोजिशन मेथड यूज करते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है, राइट साइड व्यू कम्स, राइट साइड व्यू ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एलिवेशन। तो एलिवेशन मतलब हम लोग समझ लेंगे पहले, एलिवेशन जो एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमारा फ्रंट व्यू है। एलिवेशन जो होता है वो फ्रंट व्यू होता है, मतलब फ्रंट व्यू को हम लोग एलिवेशन भी बोल सकते हैं, जो सामने से हमें दिखता है, सामने से हम लोग देख रहे हैं, जो फ्रंट में हमें दिख रहा है उसी को हम लोग एलिवेशन भी बोलते हैं, और टॉप व्यू को हम लोग प्लान बोलते हैं। दो पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो, साइड में आप लोग लिख लेना, एलिवेशन हम लोग बोलते हैं फ्रंट व्यू को, और प्लान जो बोलते हैं वो टॉप व्यू को। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, कहीं कहीं पर फ्रंट व्यू की जगह एलिवेशन दे देता है, कहीं कहीं पर टॉप व्यू की जगह प्लान दे देता है। तो प्लान मतलब टॉप व्यू होता है, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू होता है। वही बोल रहा है कि राइट साइड व्यू ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड व्यू, लेफ्ट साइड ऑफ द एलिवेशन। जहां पर भी हमारा फ्रंट व्यू बना हुआ होगा, अगर हम लोग साइड व्यू बनाते हैं राइट से देखते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा है फ्रंट, हम लोग फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है और यहां से राइट साइड से हम लोग देख रहे हैं, तो इसका जो राइट साइड का व्यू बनेगा वो फ्रंट व्यू जहां पर हम लोग बनाएंगे उस व्यू के लेफ्ट में बनने वाला है। वही ये पॉइंट बोल रहा है, राइट से हम लोग देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, तो अगर फ्रंट व्यू हम लोग हमने यहां पर इसका बनाया, मान लीजिए कि फ्रंट में हमें ये ऐसा दिख रहा है और इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग राइट से देख रहे हैं, तो इसका राइट साइड व्यू जो होगा वो एलिवेशन के लेफ्ट में बनेगा। ये हमारा लेफ्ट हो गया, तो इसका राइट साइड में ये ऐसा दिख रहा होगा, उसको हम लोग लेफ्ट में बनाएंगे। वही बोल रहा है राइट साइड व्यू ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एलिवेशन, जहां पर भी फ्रंट व्यू हम लोग इसका बनाएंगे उसके लेफ्ट में बनेगा अगर राइट से देख रहे हैं तो। अगर लेफ्ट से देखते हैं तब क्या होता है, वो फ्रंट व्यू के राइट में बनता है। वही यहाँ पर डिफरेंस है, राइट साइड व्यू, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जब हम लोग साइड व्यू बनाएंगे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, रोल प्ले करेगा वहां पर। जब भी हम लोग साइड व्यू बनाएंगे तो हम लोग को देखना पड़ता है कि राइट से देख रहे हैं कि लेफ्ट से देख रहे हैं। अगर फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड है तो राइट से अगर देख रहे हैं तो वो लेफ्ट में बन जाता है साइड व्यू, और अगर लेफ्ट से देख रहे हैं तो वो साइड व्यू राइट में बनता है। उसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर अपोजिट हो जाता है, राइट साइड इज ड्रॉन टू द राइट साइड ऑफ द एलिवेशन, मतलब अगर थर्ड एंगल पोजीशन मेथड है और अगर राइट से देख रहे हैं तो उसका हम लोग पोजीशन राइट में ही कर देते हैं। तो यही हमें पहचानने का रूल यही है, मतलब अगर हम लोग को देखना है कि वो फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल है और साइड व्यू दिया हुआ है तो हम लोग देखकर पहचान सकते हैं। अगर फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड है तो यहाँ पर फ्रंट व्यू बनेगा, राइट से देख रहे हैं तो उसका साइड व्यू लेफ्ट में बनने वाला है। वही अगर थर्ड एंगल पोजीशन सिस्टम है, अगर फ्रंट व्यू यहाँ पर हमने बनाया है इसका और राइट से देख रहे हैं तो इसका साइड व्यू राइट में ही बन जाएगा, राइट में छोटा दिखेगा तो छोटा हमने बना दिया। ये फ्रंट व्यू हो गया, यहाँ पर ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू। तो यहाँ पर इधर से देखते हैं उधर ही बन जाता है, बट यहाँ पर इधर से देखते हैं राइट से देख रहे हैं तो लेफ्ट में बनता है, लेफ्ट से देखते हैं तो राइट में बनता है। ये दो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, आपको काफी क्वेश्चन का जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर काफी ज्यादा यहाँ पर काम आने वाला है इसका। ये फोर पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, 4 to 5 पॉइंट। अब हम लोग सिंबल देख लेते हैं कि सिंबल क्या होता है। सिंबल देखने से पहले हम लोग लास्ट जो पॉइंट है सिंबल, उसको देखने से पहले हम लोग पहले पॉइंट्स को इमेज के फॉर्म में वहां देख लेते हैं जो हमने वहां पर डिस्कस किया है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बोल रहा था ऑब्जेक्ट इज इमेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपको वहां पर दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है, और वहां पर थर्ड जो एंगल पोजीशन मेथड है यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो तो इजी पॉइंट है, आप लोग समझ रहे हैं। सेकंड पॉइंट बोला था ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ पोजीशन, ऑब्जेक्ट आप देखिए ऑब्जेक्ट जो बीच में है वो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ पोजीशन के बीच में लाई कर रहा है। वही बोल रहा है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ पोजीशन, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट जो है वो बीच में है ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ पोजीशन के, बट थर्ड एंगल पोजीशन मेथड में क्या है कि प्लेन ऑफ पोजीशन ही ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में है, मतलब प्लेन ऑफ पोजीशन में ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ पोजीशन जो होता है थर्ड एंगल पोजीशन मेथड में प्लेन ऑफ पोजीशन ही बीच में आ जाता है। तो सेकंड पॉइंट भी आपका यहाँ पर डील हो गया दोनों का। उसके बाद बोला प्लेन ऑफ पोजीशन जो है नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, तो यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड में प्लेन ऑफ पोजीशन को नॉन ट्रांसपेरेंट लेते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर जो इसका पोजीशन करें तो डायरेक्टली इस पर आकर बन जाए, अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा तब क्या होगा वो क्रॉस कर जाएगा इससे। बट यहाँ पर थर्ड एंगल पोजीशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पर बोला प्लेन ऑफ पोजीशन ट्रांसपेरेंट एज्यूम करते हैं, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्व प्लेन ऑफ पोजीशन जो होता है वो हम लोग ट्रांसपेरेंट लेते हैं ताकि यहाँ पर ऑब्जर्वर जब इसको देखे तो ऑब्जेक्ट हमारा दिख जाएगा, नॉन ट्रांसपेरेंट ले लेंगे तब क्या होगा ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमें दिख नहीं पाएगा,
जिससे कि हमें प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होने वाला है कि बिकॉज हमें वहां पर ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, तो प्लेन ऑफ पोजिशन बीच में होता है जिसकी वजह से हम लोग प्लेन ऑफ पोजिशन को यहाँ पर ट्रांसपेरेंट एज्यूम करते हैं और फर्स्ट एंगल पोजिशन मेथड में प्लेन ऑफ पोजिशन को हम लोग नॉन ट्रांसपेरेंट एज्यूम करते हैं। फिर यहाँ पर बोला है टॉप व्यू कम्स बिलो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू कम्स बिलो फ्रंट व्यू, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं टॉप व्यू जो होता है हम लोग ऊपर बनाते हैं, टॉप व्यू हम लोग फर्स्ट एंगल पोजिशन में नीचे बनाते हैं, फ्रंट व्यू हमारा ऊपर रहता है, टॉप व्यू हमारा नीचे बनता है। भाई यहाँ पर फ्रंट व्यू कम्स बिलो टॉप व्यू हमारा ऊपर बन जाता था, फ्रंट व्यू हमारा नीचे रहता था, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। राइट साइड व्यू ड्रॉ करते, ये तो समझा ही दिया आपको कि अगर राइट से देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट में बनता है, वहां पर लेफ्ट से देखेंगे वहां पर राइट से देखेंगे तो राइट में ही बनता है। तो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया, अब हम लोग देख लेते हैं सिंबल यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सिंबल दोनों का अलग अलग होता है। अगर सिंबल दे दिया गया तो हम लोग कैसे वहां पर पहचानेंगे कि वो फर्स्ट एंगल मेथड का सिंबल है कि सेकंड एंगल, कि थर्ड एंगल मेथड का सिंबल है। सिंबल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, फर्स्ट एंगल पोजिशन मेथड में सिंबल ऐसा होता है और सेकंड एंगल और थर्ड एंगल पोजिशन मेथड में सिंबल ऐसा होता है। रीजन क्या है ऐसा होने का वो मैं बताता हूँ। ये हमारा एक समझने की बकेट जैसा है, जैसे कि एक सर्कल यहाँ छोटा सा है और एक छोटा स्मॉल डायमीटर है और यहाँ पर जो है वो बड़ा डायमीटर है, ऐसे करके वो दिख रहा है सामने से। तो सामने से हमें देखने पर ऐसा बकेट जैसा आपको इस टाइप का यहाँ पर ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो है एक सर्कल यहाँ छोटा सा है और एक सर्कल यहाँ बड़ा सा है। तो मतलब अगर इसको टर्म करके आपको दिखाऊं तो एक सर्कल आपको छोटा आगे में दिखेगा और एक सर्कल जो है वो पीछे बकेट जैसा पीछे में दिखेगा, जैसे बकेट मतलब बाल्टी जो होता है वो है। एक सर्कल छोटा सामने में दिखेगा और एक सर्कल छोटा बैक साइड में दिखेगा, बट इसको हम लोग फ्रंट में ऐसे रखे हुए हैं। कैसा है वो फ्रंट में ऐसे ना होकर, सर्कल ऐसे ना होकर आपके साइड ना होकर सर्कल किधर है, सर्कल इधर है, मतलब फ्रंट व्यू में आपको ये ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है। तो ये इसका फ्रंट व्यू है, ये हम लोग यहाँ पर बना है वो फ्रंट व्यू है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बट सिंबल में वैसे लिखते नहीं है, ये फ्रंट व्यू है। तो ये फ्रंट व्यू ऐसा है, बट इसे अगर हम लोग साइड व्यू में देखेंगे, अगर हम लोग लेफ्ट साइड से देख रहे हैं इसको, जिसको अगर हम लोग लेफ्ट से देखेंगे, मान लीजिए कि इसको हम लोग लेफ्ट से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो लेफ्ट से देखने पर सबसे पहले हम लोग क्या नजर आएगा, सबसे पहले छोटा सा सर्कल नजर आने वाला है और बैक साइड में बड़ा सा सर्कल है वो भी हमें दिखने वाला, बड़ा डायमीटर भी दिखने वाला। मान लीजिए तो घुमाकर आपके तरफ कर दे रहा हूँ, फिलहाल मान लीजिए ये साइड व्यू है, ये आपको छोटा सर्कल दिखेगा और बैक साइड बड़ा सर्कल दिखेगा। इसको लेफ्ट से मैं देख रहा हूँ, तो हमने अभी देखा था पॉइंट में कि राइट साइड व्यू ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एलिवेशन, मतलब एलिवेशन के लेफ्ट में ड्रॉन होता है। अगर राइट से देख रहा है तो वो लेफ्ट में ड्रॉ होता है, लेफ्ट से देख रहा है तो राइट में ड्रॉ होता है। एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू यहाँ पर लेफ्ट से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू के या राइट में ड्रॉ हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल पोजिशन मेथड, जिससे कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि फ्रंट व्यू ये है, फ्रंट व्यू में अगर हमने ये बनाया है तो इसका अगर हम लोग लेफ्ट साइड व्यू बनाएंगे तो वो फ्रंट व्यू के राइट साइड बनता है। मतलब लेफ्ट से देख रहे हैं तो राइट में बनेगा, राइट से देखते हैं तो लेफ्ट में बनता है। तो ये हमारा लेफ्ट से देख रहे हैं, लेफ्ट से कैसे पता चल रहा है देख रहे हैं, बिकॉज ये स्मॉल सर्कल भी हमें दिख रहा है और लाल सर्कल भी दिख रहा है। अगर यहाँ पर सिर्फ लाल सर्कल दिखता और स्मॉल सर्कल छुप जाता, हाइड हो जाता, तब वो हम लोग समझते कि वो राइट से देख रहे थे। बट यहाँ पर आप लोगों को बस सिंपल लैंग्वेज में समझ लेना है कि फ्रंट व्यू यहाँ पर है, फ्रंट में हमें ट्रेपेजियम दिख रहा है, बकेट है, लेफ्ट से देख रहे हैं तो स्मॉल सर्कल आपको दिख रहा है, तो स्मॉल सर्कल हमने यहाँ पर बना लिया है, और फिर बैक साइड वाला लाल सर्कल दिख रहा है तो लाल सर्कल भी हमने बना लिया है, बिकॉज ये छोटा है ये बड़ा है दोनों हमें यहाँ पर दिखने वाला है लेफ्ट से देखेंगे तो लेफ्ट साइड व्यू जो है लेफ्ट से देख रहे हैं तो यहाँ पर ये बन रहा है किधर है, राइट में बन रहा है, ये फ्रंट व्यू के राइट में बन रहा है, फ्रंट व्यू के यहाँ पर राइट में बन रहा है, बट है ये कौन सा लेफ्ट साइड व्यू है, लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट से देखे हैं बट ये फ्रंट व्यू के राइट में बना है। ये सिंबल क्लियर हो गया, अगर ऐसा सिंबल बन रहेगा तो हम लोग समझ लेना है कि वो फर्स्ट एंगल पोजिशन मेथड है। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड एंगल पोजिशन मेथड में, तो ये हमने फ्रंट व्यू यहाँ पर बना लिया है, फ्रंट व्यू हमें ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, फ्रंट व्यू ये हमारा बन गया है। अब मान लीजिए कि इसको हम लोग लेफ्ट से देख रहे थे, इस वाले फिगर को हम लोग लेफ्ट से देख रहे थे, यहाँ से मान लीजिए कि इमेजिन किए यहाँ पर दिखा तो एक छोटा सर्कल हमें दिखेगा यहाँ से और एक बड़ा सर्कल दिखेगा। लेफ्ट से देखें तो हम लोग को दो सर्कल यहाँ पर भी दिखेगा, बिकॉज छोटा सर्कल भी हमारे साइड है और बड़ा सर्कल भी हमारे साइड, बड़ा सर्कल बैक साइड है बट बड़ा है वो लार्ज है तो हमें वो भी दिखने वाला है, तो दोनों दिखेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट से देखा तो यहाँ पर जो फिगर हमने बनाया, जो इसका व्यू बनाया वो लेफ्ट में ही बना दिया, फ्रंट व्यू के मतलब एलिवेशन के लेफ्ट में ही बना दिया, एलिवेशन के लेफ्ट में ही बना दिया और ये लेफ्ट साइड व्यू हो गया, लेफ्ट में ही हमने बना दिया, तो ये हमारा थर्ड एंगल पोजिशन मेथड हो गया। तो अगर थर्ड एंगल पोजिशन मेथड हमें बताना है तो हम लोग टाइटल ब्लॉक में पढ़े थे, वहां पर टाइटल ब्लॉक में हम लोग एक सिंबल बनाते थे इस टाइप का। तो फर्स्ट एंगल पोजिशन में हमेशा हम लोग टाइटल ब्लॉक में ये सिंबल बनाएंगे, मतलब वहां पर माना जाएगा कि आप लोग फर्स्ट एंगल पोजिशन मेथड से बनाए हैं। अगर ये सिंबल कहीं पर भी आपको दिखता है तो समझ ले रहा है कि वो फर्स्ट एंगल पोजिशन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये सिंबल आपको दिखता है तो हम ये बताएगा कि ये थर्ड एंगल पोजिशन सिस्टम है। बट आप लोग को ये लूज यही करना है, पहले आप लोग एक ट्रेपेजियम बना दीजिएगा, उसके लेफ्ट साइड में, उसके राइट साइड में एक सर्कल बड़ा सा, एक सर्कल छोटा सा बना दीजिएगा, तो ये इसका सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी फर्स्ट एंगल पोजिशन मेथड को रिप्रेजेंट करना होगा तो डायरेक्टली अगर हम ये सिंबल शो कर देते हैं
तो ये हमारा फर्स्ट एंगल पोजीशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये सिस्टम ये सिंबल शो करते हैं तो ये हमारा थर्ड एंगल पोजीशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया होगा, यहाँ पर से आपको देख रहे हैं दोनों में लेफ्ट साइड से ही, दोनों में हम लेफ्ट साइड से ही देख रहे हैं, और इमेज यहाँ पर लेफ्ट में बन रहा है, यहाँ पर इमेज राइट में बन रहा है, तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हमारा फर्स्ट एंगल पोजीशन सिस्टम है कि वो थर्ड एंगल पोजीशन सिस्टम है। बिकॉज हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि राइट से देखें और लेफ्ट में बना तो वो फर्स्ट एंगल पोजीशन सिस्टम होता है, और राइट से देखें और राइट में ही बन गया तो वो हमारा लेफ्ट में, वो हमारा थर्ड एंगल पोजीशन सिस्टम होता है। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, सिंबल भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको रहता है, काफी डिटेल में मैंने समझाया, इसके बाद भी अगर आपको बाई दे में कोई डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में भी अपना लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में भी अपना चैनल बना हुआ है, आप चाहे तो वहां पर भी चैनल ग्रुप को ज्वाइन करके पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई अगर डाउट होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ अटैच है, आप चाहें तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। बिकॉज 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। और लोगों को ये वीडियो आप शेयर भी कीजिए, लोगों तक आपके जो फ्रेंड्स हैं वहां तक इसको शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।